गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बी एल जे डी ए वी स्कूल अ ब्यूटिफुल स्कूल इन जाखल मंडी वेलकम्स टू क्लास थर्ड स्टैंडर्ड इन साइंस क्लास बच्चों आज की हम इस अपनी साइंस की क्लास में फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको एक फ़ोटो शेयर कर रही हूँ आपने इस फोटो को बहुत ही ध्यान से देखना है और इसे समझना है इसको ध्यान से देखने के बाद बच्चों आपने गेस करना है कि इन दोनों में इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है ये दो बेबीज़ की फोटो है और इसमें सिमिलरिटीज क्या है बच्चों ट्राई टू तो गैस यस कि ऊपर वाला जो बेबी है उसके सिमिलरिटीज बतानी है बच्चों दोनों बेबीज में क्या सिमिलरिटीज हैं कि दोनों बच्चों का फेस जो है स्माइलिंग है मीन्स दोनों स्माइल कर रहे हैं तो अब इसके बाद आपने इसमें दो डिफरेंसेस बताने हैं कि इन फोटो को देखने के बाद आप इनमें से दो कोई डिफरेंसेस बताइए बेटा यस ऊपर वाला जो बेबी है उसके टीथ नहीं है और जो नीचे बेबी है उसके टीथ हैं तो बच्चों क्या हम इन दोनों बच्चों को सेम काइंड ऑफ फूड दे सकते हैं क्या ये खा सकते हैं दोनों तरह का भोजन नो no. क्यों क्योंकि ऊपर वाले बेबी के टीथ नहीं है इसलिए वो हार्ड फूड को नहीं खा सकता और जो नीचे वाला बेबी है क्योंकि उसके टीथ हैं तो इसलिए वो दोनों तरह का भोजन खा सकता है तो इसी तरह से एनिमल्स के भी डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स होती है तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स यू ऑलरेडी नो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ़ फूड आप पहले से ही अच्छे से जानते हैं कि अलग अलग एनिमल्स की खाने की आदतें भी अलग अलग होती हैं तो आपकी बुक में पेज नंबर फोर्टी पर ये एक एनिमल्स की पिक शेयर की हुई है तो आपने इसको ध्यान से देखना है और उसके नीचे एक टेबल दी हुई है जिसपे एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स एंड लीव्स कुछ टेबल्स में कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं और आपने इस पिक्स को ध्यान से समझकर उनके जो नेम हैं इन बॉक्सेस में उनकी फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग उनको राइट करना है तो मैं सबसे पहले आपने क्या करना है सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन से एनिमल है बच्चों एलिफेंट एलिफेंट क्या खाता है ग्रीन प्लांट्स तो हम इसको कौन से बॉक्स में डालेंगे फर्स्ट एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स एंड लीव्स तो फर्स्ट नंबर पर एलिफेंट राइट right करेंगे नेक्स्ट इज कैट कैट क्या खाती है कैट हंटिंग अदर एनिमल्स एंड ईटिंग देम तो इसको हम सेकेंड बॉक्स में डालेंगे थर्ड नंबर पर जो है बियर बियर जो है क्या खाता है बच्चों ये अदर एनिमल्स को भी खाता है और प्लांट्स को भी खाता है तो इसको हम थर्ड बॉक्स में डालेंगे animals eating both plants and animals next is cow cow तो आप जानते ही हैं तभी कि cow क्या खाती है cow plants and leaves खाती है green grass खाती है तो इसको first box में रखेंगे next is loin king of the jungle yes क्या खाता है king of the jungle means loin loin क्या खाता है loin हंटिंग अदर एनिमल्स एंड ईटिंग दैम जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है कि वो जैबरा को हंट करके खा रहा है तो इसको हम कौन से बॉक्स में रखेंगे सेकेंड में नेक्स्ट जो है फॉक्स है फॉक्स क्या करती है बच्चों वो एनिमल्स ईटिंग रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स तो वो रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स में आएगा इसको हम लास्ट वाले बॉक्स में रखेंगे नेक्स्ट इज क्रो जो क्रो है वो भी बच्चे क्या है प्लांट्स भी खाता है ग्रेन्स भी खाता है और रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स भी खाता है तो इसको हम कहाँ रखेंगे फोर्थ फोर्थ बॉक्स में नेक्स्ट जो दिखाया गया है रैबिट है रैबिट कैरेट खाता है तो इसको हम फर्स्ट बॉक्स में रखेंगे नेक्स्ट क्रोकोडाइल तो क्रोकोडाइल क्या खा रहा है क्रोकोडाइल फिश को खाता है मीन्स वो अदर एनिमल्स को खाता है तो हम इसको सेकेंड बॉक्स में रखेंगे नाउ आपने इस पिक्चर को के, बहुत ध्यान से देखा अब आपने इनके नेम जो है इन एनिमल्स के नेम उनको खाने के आधार पर उनकी जो इनको कैटेगराइज करना है तो आपने इन बॉक्सेस में इनके अलग अलग नेम राइट करने ओके थैंक यू बच्चों